concept of zoology first the contents defining zoology the essence or base of zoology brief history of zoology and what we study in zoology so students let me talk first about the zoology zoology is one of the very interesting subject of the life sciences or overall the basic sciences basic sciences say the interesting या जो फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है पढ़ने के लिहाज से या अंडरस्टैंड करने के लिहाज से दैट इज़ अ जोलॉजी बिकॉज इट डील्स विद द रियल लाइफ ये रियल जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको क्या करता है डील करता है तो जोलॉजी बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जोन मीन एनिमल्स एंड लोगोस मीन स्टडी सो जोलॉजी इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स तो एनिमल्स के एस्पेक्ट्स जितने भी हैं जिस रेफरेंस से भी हम एनिमल को स्टडी करेंगे दैट इज़ एक्चुअली वी आर स्टडींग द जोआलॉजी सो वट इज द बेस ऑफ जोआलॉजी वट इज़ देंस ऑफ जोलॉजी कहते हैं जोलॉजी को अगर हम इसको सिंपल देखें जोलॉजी की इसकी जो जो इतनी क्यूरोसिटी है वो एक्चुअली है डिटा फैसिनेटिंग लाइफ ऑफ एनिमल्स जितने भी ज़मीन के ऊपर अर्थ के ऊपर आपको लाइफ नजर आती है उसमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जो आपको मिलेंगे दे आर द एनिमल्स हैं लाइफ के अंदर आपके पास बैक्टीरिया हैं एल जी हैं प्लांट्स हैं बट द मोस्ट ब्यूटिफुल

एक्वेटिक आर्गेज को आप देख लें तो स्पेशली द फिशेस मैरीन फिशेस मैरीन लाइफ को अगर आप देखें या फ्रेश वाटर फिश को देखें दे आर वेरी ब्यूटीफुल सो ड्यू टू द वेरी ब्यूटीफुल नेचर वी टू वेरी चार्मिंग द एनिमल्स सो वट इन आवर माइंड वैन वी सी द एनिमल्स वैन वी सी द एनिमल्स वैन दे आर मूविंग वैन दे आर लिविंग इन देर हैबिटेड तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि हाउ द एनिमल्स लिव एंड वेयर डू दे लिव कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं एंड वट दे ईट वट दे डू एंड हाउ देयर लाइफ इज़ बीग कंटिन्यूड तो यानी कि एनिमल्स के को देखते ही हमारे जहन में अल्टीमेटली चाहे कोई साइंटिस्ट है चाहे कोई ले मैन है तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे जहन में क्यूरोसिटी तो होती है कि अच्छा ये कैसे होता होगा सिमिलरली वैन वी लुक द एनिमल्स तो हमारे जहन में भी आता है कि अच्छा ये एनिमल्स हैं तो ये कहाँ रहते हैं क्या खाते हैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और एनी ये एनिमल्स इन्वायरमेंट के अंदर इनका इंट्रेक्शन क्या है इनका क्या बेनिफिट है क्या इनका डेंजर है हमें यानी एनिमल से मतलब जो कुछ भी है यही जोआलॉजी की बेस है कि व्हेन वी आर स्टडिंग एनी थिंग अबाउट द एनिमल्स दैट इज एक्चुअली वी आर स्टडिंग द जोलॉजी सो हिस्ट्री ऑफ जोलॉजी हिस्ट्री ऑफ जोलॉजी उतनी ही पुरानी है जब ह्यूमन ने जब वो किसी भी एनिमल से कॉन्टैक्ट किया होगा यानी वी कैन से द हिस्ट्री ऑफ जोलॉजी इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन हिस्ट्री जब तक जहाँ तक ह्यूमन हिस्ट्री पुरानी है जितनी पुरानी है उतनी ही जोलॉजी जो है वो ओल्ड नॉलेज है डेफिनेटली जब सबसे पहले किसी ह्यूमन ने किसी एनिमल को किल किया होगा किसी को पैट बनाया होगा या किसी एनिमल के साथ किसी भी रेफरेंस से इंटरेक्ट किया होगा तो दैट विल दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द जियोलॉजी वहीं से जोलॉजी में बेसिकली क्या है स्टार्ट होती है अच्छा जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ह्यूमन की वो बेसिकली है रोमस और ग्रीक्स से स्टार्ट होती है तो रोमन्स और ग्रीक्स की जो बुक्स हैं अगर हम उस उसको देखें तो उसमें बाकायदा एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है एनिमल्स के बारे में बहुत सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं जो एनशियट हिस्ट्री से जो ग्रीक हिस्ट्री से लेकर रोमन हिस्ट्री से लेकर जो बाकायदा एनिमल्स की जो क्या है उसकी स्टडी को शो करते हैं विच आर शोइंग दैट जोलॉजी वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम इवन कि जब साइंस अभी अपनी इब्तदा में थी उसी वक्त जोलॉजी का नॉलेज जो था वो मौजूद था प्रिवेल कर रहा था ग्रीक से बात आते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी एनिमल्स से और ह्यूमें से एलिट बहुत सारी बुक्स लिखी हैं आपने इबिनसम का पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर लिखा हुआ है कि उसने आई के स्ट्रक्चर के ऊपर मुकम्मल एक जो है वजाहत की थी इससे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारी जो एक्सक्यूटरी सिस्टम के ऊपर वजाहत की हुई है कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट ने एंडस के ऊपर लिखा हुआ है कुछ ने हॉर्से के ऊपर लिखा हुआ है कुछ ने कैमल्स के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग मुस्लिम टाइम तो मुस्लिम्स के टाइम जो है वो उस वक्त भी जोआलॉजी जो थी उसका नॉलेज क्या हो रहा था ऐसे था डेवलप होता जा रहा था लेकिन अगर हम बात करें रेवोल्यूशन की जोआलॉजी का रे, नॉलेज रेवोल्यूशनइज़ हुआ है मॉडर्न एजेस के साथ मॉडर्न एजेस में चूँकि साइंस ने बहुत तरक्की की इंस्ट्रूमेंट्स नए नए आ गए एक्सपेरिमेंट बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म होना शुरू हो गए तो फिर इस सिनेरियो में आकर जो जोलॉजी का नॉलेज है ये ब्लूम आउट किया इसने जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंड किया है और जोलॉजी का नॉलेज की अगर हम देखें जो मैक्सिमम नॉलेज हमें मिलता है वो लेटेस्ट नॉलेज है यानी कि जो कि लेटेस्ट इरा के अंदर या मॉडर्न स्टडीज़ के अंदर जो है वो डिवेलप हुआ है सो वाट वी आर स्टडिंग इन जोआलॉजी जोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं किसी भी एनी के मल के बारे में आप जो कुछ सोच सकते हैं जो कुछ थिंक करते हैं दैट इज़ एक्चुअली वी आर डूइंग अबाउट जोआलॉजी मसला किसी एनिमल को इन किसी खास हाँ जगह पर रखना है नेचुरल इन्वामेंट के अंदर रखते हैं रखे हैं दैट इज़ द जोलॉजी जैसे आजकल हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जिनको जो, जो वाइल्ड लाइफ जो है उसके नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं नेशनल पार्क्स हैं ज़ूज हैं सफारी पार्क्स हैं ये सारी सारी क्या है जोलॉजी क्या आप एनिमल्स को एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर क्या कर रहे हैं रख रहे हैं कि एन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को उनकी किलिंग से रोक रहे हैं तो एनिमल्स के बारे में आप जितनी भी केयर कर रहे हैं दिस इज़ आल द जोअलॉजी ऑब्जर्व डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल्स एनिमल्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि एनिमल्स की फीड क्या है एनिमल्स क्या खाते हैं कैसे रहते हैं रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है यंग वर्न को कैसे जो वो आगे नूरिश करते हैं तो ये सारा कुछ जो है दिस ऑल अबाउट द जोलॉजी और द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये वो पार्ट है जिसके ऊपर जोलॉजी में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एनिमल जैसे हमें बींग ह्यूमन ह्यूमन भी एक जोलॉजी के चूँकि जो एनिमल है तो एनिमल होने के नाते क्या है कि हम भी जोआलॉजी का पार्ट हैं तो एनिमल्स के क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं हेड्स किस लिए हैं आइज किस लिए हैं हार्ट किस लिए है लंग्स किस लिए हैं लेग्स किस लिए हैं है, है, फिर उनकी फंक्शनिंग किस तरह से हार्ट किस तरह से काम कर रहा है हार्ट के मसल्स कैसे हैं इवन अब जोलॉजी का नॉलेज जो है वो इतनी डेप्थ में जा चुका है कि वो सेलुलर और मालिकुलर लेवल के ऊपर डिस्कस करता है कि जैसे कि एक सेल्स जो है उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन से जीन्स मौजूद हैं क्या प्रोटीन्स बन रही हैं तो दिस इज ऑल अबाउट जोलॉजी अब जोलॉजी एक ब्रॉड सिनेरियो से ज़्यादा फोकस हो गई है माइक्रो लेवल के ऊपर सेल लेवल के ऊपर जीन लेवल के ऊपर बट वट वी आर स्टडिंग अबाउट द एनिमल्स हम एनिमल्स के बारे में जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं वो सारे एक सारा सारा जोलॉजी है चाहे हम उसको मेलेक्युलर बायोलॉजी का नाम देकर स्टडी करें चाहे हम उसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम देकर स्टडी करें या चाहे हम इसको फिजियोलॉजी या किसी और रेफरेंस स्टडी करें एनिमल्स को के बारे में आप जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑल द जोआलॉजी